हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि घर पर हर्बल हेयर स्पा कैसे करते हैं। इस हेयर स्पा को हम लोग 3 स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्कैल्प ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा आंवला कंसंट्रेट। ये होममेड आंवला कंसंट्रेट है। इसको हम कॉटन की सहायता से अपने स्कैल्प में लगाएंगे और हल्के हाथों से मसाज करेंगे। होममेड आंवला कंसंट्रेट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 आंवला, आधा नींबू, ग्लिसरीन, टी ट्री ऑयल, अगर ना हो तो आप विटामिन ई ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 बोल। सबसे पहले हम लोग आंवला को ग्रेट कर लेंगे। अब हम लोग इसको निचोड़कर इसका रस निकालेंगे। अगर आप चाहें तो छन्नी में रखकर इसे चम्मच से दबाकर इसका रस निकाल सकते हैं। अब हम इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हम इसमें 15 से 20 बूंदे टी ट्री ऑयल की ऐड करेंगे। अगर टी ट्री ऑयल ना हो तो आप विटामिन ई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक कॉटन लेंगे और इसको इसमें डिप करेंगे, और अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम अपनी स्कैल्प में लगाएंगे और इसे हल्का सा मसाज करेंगे। अब हम हेयर स्टीमिंग करेंगे। उसके लिए अपने बालों को आप शावर कैप या क्लीन रैप से कवर कर लें और फिर 5 से 7 मिनट तक हेयर ड्रायर यूज़ करें। उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दें करीब 10 मिनट के लिए। स्टेप 2 में हम लोग हेयर मास्क एप्लीकेशन करेंगे अपने हेयर्स पे फॉर डीप कंडीशनिंग। इस हिना हेयर पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 200 ग्राम दही, नेचुरल हिना पाउडर 4 चम्मच, ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल और ग्लिसरीन। सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें। अब हम इसमें 4 चम्मच हिना पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। इसे दही में अच्छे से मिक्स करें ताकि गुठलियाँ ना रहें। जब आप हिना पाउडर खरीदें तो ये ध्यान रहे कि आप 100% नेचुरल हिना पाउडर लें, क्योंकि कोई भी केमिकल हमारी स्कैल्प के लिए और बालों के लिए अच्छा नहीं रहता है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप 1-2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड करेंगे और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर हिरानीज हिना पाउडर यूज़ किया है, जो कि 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है। ये PPD और केमिकल फ्री भी है। अगर आप चाहें तो इस प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक करें। आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस पेस्ट को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम अपने हेयर्स पर अप्लाई करेंगे। अब हम अपने बालों पे हेयर मास्क लगाएंगे। आप चाहें तो ग्लोव्स का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हाथों से ही लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऑरेंज स्टेन आपके हाथ में पड़ सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। इस हेयर मास्क को हमें स्कैल्प से लेकर हेयर्स की एंड तक लगाना है। हिना हेयर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये एक नेचुरल हेयर कंडीशनर है, साथ ही साथ में ये हेयर के अदर प्रॉब्लम्स के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है।
ये हेयर फॉल्स को रिड्यूस करती है और हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ ये स्कैल्प की इचनेस को कम करती है और ये डैंड्रफ को भी कंट्रोल करती है, साथ ही साथ आपके बालों को ये सॉफ्ट और शाइनी भी बनाती है। हेयर मास्क एप्लीकेशन के बाद आप चाहें तो इसे क्लीन रैप से कवर कर लें, जिससे कि ये मैसी नहीं होगा, और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें और आधे घंटे बाद सादे पानी से आप बाल धो लें। इस हेयर मास्क को हमें आधे घंटे के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद सादे पानी से हमें बाल को धो लेना है। याद रहे कि आप शैम्पू उस दिन यूज़ ना करें, शैम्पू आप अगले दिन यूज़ करें। इस हेयर मास्क का यूज़ आप हेयर को कलर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 से 4 घंटे के लिए आपको इसे अप्लाई करना होगा। हिना पाउडर और इंडिगो पाउडर दोनों ही नेचुरल हेयर डाई हैं। नेचुरल हेयर कलरिंग से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, उसकी लिंक दी हुई है। स्टेप 3 में हम लोग होममेड हेयर सीरम अप्लाई करेंगे अपने बालों पे। आधे घंटे हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद मैंने सादे पानी से बाल धो लिए हैं। जब बाल थोड़े से मॉइस्ट रह जाएं, तब हम उसमें अपना होममेड हेयर सीरम लगाएंगे। हेयर सीरम हेयर्स को फ्रिज फ्री और मैनेजेबल बनाता है, साथ ही साथ ये बालों को सॉफ्ट और शाइनी भी बनाता है। हेयर सीरम को अप्लाई करने के 1 से 2 मिनट बाद ही बाल हेयर सीरम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में हेयर सीरम को अप्लाई करने से कितनी अच्छी शाइन आई है और मेरे बाल फ्रिज फ्री और मैनेजेबल भी लग रहे हैं। ये हर्बल हेयर स्पा बहुत ही सेफ है और साथ ही साथ में ये बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।